क्लॉक रिपेयर वाला बना करोड़पति। एक गांव में गुरुदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो पुराने घड़ियों को ठीक करके गुजारा करता था। एक दिन एक व्यक्ति ने अपने घर के दीवार में लगी घड़ी को ले आकर गुरुदत्त को दिया। भैया, इसे तुरंत रिपेयर करके देना। गुरुदत्त ने उस घड़ी को इधर उधर घुमाकर देखा। मैं ये घड़ी शहर ले गया तो कहने लगे कि इसको रिपेयर करने के लिए 3,000 रुपए लगेंगे। मैंने सोचा कि इसे फेंक देता हूँ। फिर मुझे याद आया कि मेरे दादाजी इसे बड़े प्यार से रखते थे। मरने से पहले ये घड़ी वो मुझे दे गए। मैं ये सोचकर तुम्हारे पास लाया कि शायद तुम इसको ठीक कर पाओ। गुरुदत्त ने उस घड़ी को जोर से मारा, वो घड़ी चलने लगी। अरे, ये घड़ी तो चल पड़ी। अरे, ये घड़ी बहुत पुरानी है तो इसकी सारी सुइयां अटक गई थी। बस मैं इसे साफ करके देता हूँ, आप इसे ले जाइए। कहकर उस घड़ी को साफ करके दिया। आप 100 रुपए दे दीजिए साहब। पैसे देते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। तुमने यूं चुटकी बजाते मेरे घड़ी को ठीक कर दिया। एक और दिन एक लड़की गुरुदत्त के पास आई अपनी घड़ी उसे देते हुए। अंकल जी, ये घड़ी बहुत महंगी है, मेरे हाथ से फिसल कर गिरी और ये बंद हो गई। मेरे होने वाले पति ने इसे इटली से लाकर मुझे दिया था। अगर उन्हें पता चला कि ये घड़ी काम नहीं कर रही है तो बहुत दुखी होंगे। आप किसी तरह इसे ठीक करके दे दीजिए अंकल, चाहे जितना पैसा हो कोई बात नहीं। गुरुदत्त उस घड़ी को ध्यान से देखते हुए, देखो बेटे, तुमसे एक बात कहनी है। ये घड़ी कोई इटली विटली की नहीं है, उसने सिर्फ मेड इन इटली का नाम लिखवाया है। बस इस घड़ी की कीमत 500 रुपए भी नहीं है। इसको रिपेयर करना एकदम बेकार है। लड़की को बहुत गुस्सा आया। मेरे पास से पैसे हैंटने के लिए मुझे कहानी सुना रहे हो? मेरा राहुल मेरे लिए इटली से बहुत पैसे खर्च करके इसे लेकर आया है। अरे बेटे, मैं घड़ी को देख के ही बता सकता हूँ कि ये घड़ी किस साल में बनी, किस कंपनी ने बनाया, इसको बनाने में कितने पैसे खर्च हुए, सब एकदम सही बता सकता हूँ। तुम्हारे इस 500 रुपए के घड़ी के लिए मुझे कहानी बनाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। जिसने तुम्हें कहानी सुनाई है तुम ही सोच लो उससे शादी करना है कि नहीं। गुरुदत्त से वो घड़ी लेती हुई लड़की, बहुत बहुत थैंक्स अंकल, शादी से पहले ही राहुल का असली रंग मुझे पता चल गया, अब उसकी खैर नहीं। कहकर घड़ी लेकर चली गई। कई दिन बीत गए। एक दिन गुरुदत्त के पास विजय नाम का एक व्यक्ति बहुत ही पुराना दीवार की घड़ी को लेकर आया। गुरुदत्त ने उस घड़ी को ध्यान से देखा। आप इस घड़ी को क्यों लेके आए? मैं बहुत मुसीबत में हूँ। हमारे घर में इस दादाजी के जमाने की घड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं है। हमें खाए हुए 4 दिन हो गए, बहुत भूख लगी है। आप ये घड़ी रख लीजिए और बदले में थोड़े पैसे दे दीजिए साहब। ये घड़ी मेरे किसी काम का नहीं है। तुम कहते हो कि तुम भूखे हो तो ठीक है, ये 1,000 रुपए रख लो। कहकर उसने वो घड़ी को अपने पास रख लिया। कुछ देर बाद गुरुदत्त की पत्नी पायल उसके दुकान के पास आई। जरा मुझे 1,000 रुपए देना, घर के लिए सामान खरीदना है। पायल, वो 1,000 रुपए तो खर्च हो गए। पायल गुस्से में, क्या तुमने खर्च कर दिए? जब तुम घर से निकले थे तब तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास 1,000 रुपए है, इतनी जल्दी तुमने क्या किया? तब गुरुदत्त ने जो कुछ हुआ सब बताया। अरे तुम नहीं सुधरने वाले, एक तो तुम्हारी कमाई बहुत कम है और उसमें भी तुम दान धर्म की बातें करते हो, सब मेरी किस्मत है। कहकर विजय ने जो घड़ी दिया था उसे उठाकर फेंका। वो घड़ी टूटकर बिखर गया तो उसमें से एक कागज निकला। गुरुदत्त ने हैरान होकर उस कागज को खोला। उस कागज में कुछ लकीरें बनी हुई थीं। गुरुदत्त पायल से, लगता है कि ये किसी खजाने का नक्शा है। एक तो इस घड़ी को किसी भीख मांगने ने तुम्हें लाकर दिया, उसको तोड़ा तो तुम कहते हो कि उसमें से नक्शा निकला है। हाँ, तुम्हारा दिमाग ठीक है? अब वक्त बर्बाद करना छोड़ो और घर के लिए सामान कैसे लाओगे इसके बारे में सोचो। अगले दिन गुरुदत्त पायल से, अरे भगवान, अगर मैं इस नक्शे के हिसाब से चलकर खोज करूं तो हो सकता है कि हमारे हाथ कोई खजाना लग जाए। अरे कोशिश करने में अपना क्या जाता है।
अरे एक बार तुमने ठान ली तो कभी तुम किसी की बात सुनते भी हो, जैसे तुम्हारी मर्जी। गुरुदत्त उस नक्शे में दिखाए गए निशान के हिसाब से चलते हुए एक जंगल में पहुंचा। जंगल में जैसे नक्शा में निशान दिखाए गए थे उसके हिसाब से जाकर एक पेड़ के नीचे खुदाई करने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी खुलाड़ी किसी धातु से टकराई। गुरुदत्त ने बड़े ध्यान से खोदा, वहाँ उसे दो घड़े भरकर सोने के सिक्के मिले। गुरुदत्त वो सारा सोना लेकर अपने घर पहुँचा। वो सारा सोना देखकर पायल बहुत खुश हुई। गुरुदत्त विजय को ढूंढते हुए निकला। उसके घर पहुंचकर जो कुछ हुआ उसे बताकर, लगता है ये सोना आपके पूर्वजों का है, आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, फिर भी आपने मुझे 1000 रुपए दिए, इसीलिए ये सारा सोना मैं नहीं रख सकता। अगर आप ना होते तो मुझे इस सोने के बारे में पता भी नहीं चलता। एक घड़ा सोना आप रख लो, एक घड़ा सोना मैं रख लेता हूँ। उस सोने के कारण गुरुदत्त बहुत बड़ा धनवान बन गया।